बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दोहरे हत्याकांड की जो 1995 का एक दोहरा हत्याकांड था उसमें सुनाई है। अभय कुमार साहब हमारे साथ हैं जो पीड़ितों की तरफ से थे। सर, पहले दोषी करार दिया गया और अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाजिर? ये आपको पता है वो 18 अगस्त 2023 को तीनों जजेज ने, ऑनरेबल जजेज ने उनको कन्विक्ट किया 302 और सेक्शन 307 के अटेम्प्ट मर्डर के लिए। डबल मर्डर केस था, सारा कुछ है। 143 पेज का जजमेंट है जिसमें ये बोला कि ये इस तरह का मसला है जहां पीपी जो है मदद कर रहा था, ये सारा आप लोग जाने। आज सेंटेंस था, क्वांटम कितना सेंटेंस दिया जाना चाहिए उस पर तीनों जज इस बात के लिए एकदम एग्रीमेंट में थे कि इनको कम से कम लाइफ होना ही होना है 302 में, और कंपनसेशन के रूप में विक्टिम जो मरे हुए लोग थे उनको 10-10 लाख रुपये, जो इंजर्ड थे उनको 5 लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या आपकी तरफ से क्या मांग की गई थी और उनकी तरफ से क्या दलील दी गई थी? देखिए, हमें आज सुप्रीम कोर्ट इस पर डिटेल में सुनवाई करने के मूड में नहीं थे क्योंकि उन्हें लग रहा था या तो मिनिमम लाइफ जाना है, मैक्सिमम डेथ पेनल्टी हो, और ये चूंकि डेथ पेनल्टी का केस नहीं बनता है। बट हमारी ये मांग थी, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, हमारी ये मांग थी जिस तरह के नेचर ऑफ ऑफेंस है कि डेमोक्रेसी पर हमला होता है कि आप वोट नहीं दिया तो उसको गोली मार दिया जाता है, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन, से ये इतने एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं इसमें कि मिनिमम जो है 302 मर्डर और एक इसके 307 के लिए मिनिमम 3 लाइफ इंप्रिजमेंट देना होगा और कोई रिमिशन, कोई एमनेस्टी नहीं, क्योंकि 14 साल के बाद या 12 साल के बाद 15 साल के बाहर आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल ने पूछा कि कितना उम्र है, बताया कि उनके 70 एज है उनका 70 ईयर्स। तो जजे जी ऑनरेबल जज लाइटर मोड में बोले कि जब 70 साल है तो 14 साल के बाद आप समझ सकते हो भगवान उनको दिखेंगे, भगवान करेंगे, दिस वॉज द डन। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया जहां पर निचली अदालत और हाईकोर्ट से वो बरी हो गए थे, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने इंसाफ को पूरा किया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV।